कड़ी चेतावनी और सख्त निर्देश के बावजूद यूपी पुलिस अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रही है। कहीं जनता के साथ बदसुलूकी तो कहीं जनता को डरा धमका कर अवैध वसूली करने के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के सुमैया चौकी से, जहां चौकी के दो सिपाहियों पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग और ग्राम प्रधान बेहद आक्रोशित हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत ढकौली के प्रधान अंजय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और नगर कोतवाल को शिकायती पत्र सौंपकर सुमैया चौकी के सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान के अनुसार चौकी के सिपाही रोहित सरोज और राजकुमार ने उनके ग्राम पंचायत के धर्मराज को चौकी बुलाया, जो गांव के एक व्यक्ति से विवाद में उलझा था। धर्मराज के भाई गणेश जब उसे छुड़ाने चौकी पहुंचे तो सिपाहियों ने गणेश को भी पकड़ लिया और दोनों भाइयों को छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। प्रधान ने बताया कि जब उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया तो सिपाही इस पर नाराज हो गए और खुलेआम धमकी दी कि अगर बात ना मानी तो उनका और प्रधान का एनकाउंटर कर देंगे। तो इनका कल जो है पुलिस वाले बुलाए, कुछ इनके भाई के कुछ मामला है, कोई औरत के, तो देखिए चौकी बैठा ली रोहित राजकुमार। तो ये जब जो उन्हें गणेश गए चौकी पे, भैया काहे लाए हो, तो इन्हों बैठा ली इनका मारिन पीटिन। अब 20,000 रुपये इनसे मांगे ला के 20,000 रुपये दियो, नहीं तो जो है तुमका जो है 76 फंसा दिया सबका। तो इनके पापा हमारे पास 3:50 पर या 40 मिनट पर आए, कहें भैया इसी सी बात हमारे लड़के ने बैठाए हैं चौकी पे, तो हम कहें इनको बैठाए, कहें सरोज को रोहित सरोज और राजकुमार, तो हमका काम है तो बताए इनको, हम कहें काम है तो कहें भैया कुछ लड़की औरत के मामला है, कुछ औरत इनका जबरदस्ती बुलाओ तो लाओ थी, नहीं जात बात है तो वहाँ लिखाई से छेड़खानी के कुछ, तो हमका अच्छा। तो हम रोहित को फोन किया, हम कहें रोहित भैया काम मैटर है, कहें अरे यार छेड़खानी में मुकदमा लिखाई से औरत, तो हम कहें भैया देख ली 154 चालान कह दी इनके, तो कहें 154 चालान न हो इनके 76 चालान हुई, तो हम कहें इनके इनके 76 चालान करी हो, तो इनके पापा बताए भैया 20,000 मांगत का तो बिछोड़ देगा, तुम कहें 20,000 रुपया दे लाएगी बच्चे नहीं है भैया, इनका चालान कर दूँ हम बिछोड़ा लेबे 154 चालान करियो ज़्यादा तब हम छोड़ा लेबे इनका, पत्नी बात भी भैया उसके बाद जो हम उसकी बात कह दें उनके बाद इनसे बताओ जिससे सिफारिश कराओ। तो शिकायत के बाद नगर कोतवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी सिपाहियों को चौकी से हटाकर थाने में तैनात कर दिया है, परंतु ग्राम प्रधान की मांग है कि दोषी सिपाहियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पुलिसकर्मी अपनी सीमा में रहें और अवैध वसूली पर रोक लगाई जा सके। वहीं इस मामले में शहर कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधान अंजय मिश्रा अपने द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। दोनों सिपाहियों के खिलाफ गोपनीय जांच के साथ साथ अपने स्तर से भी जांच करवा रहे हैं। अगर सिपाहियों के खिलाफ लगे आरोपों में सच्चाई सामने आई तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच होने तक दोनों सिपाहियों को चौकी से हटाकर थाने पर तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता इंसाफ के लिए किसके पास जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।